फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ रोज बोले जाने वाला टॉपिक। यानी आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल अक्सर हमें अपने लाइफ में करना होता है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहाँ कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। जैसे मेरा मतलब आपको तकलीफ देना नहीं था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ कहते हैं मेरा यह मतलब नहीं था को बोलने के लिए आप आई डिडंट मीन टू करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन टू से दिस। मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करना नहीं था, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू। मेरा मतलब वो सब नहीं था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डिडंट मीन दोज थिंग्स। यानी मेरा मतलब वो सब नहीं था। मेरा मतलब आपको कंफ्यूज करना नहीं था, आई डिडंट मीन टू कंफ्यूज यू। मेरा मतलब पैसा मांगना नहीं था, आई डिडंट मीन टू आस्क मनी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि मेरा ये मतलब नहीं था, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप आई डिडंट मीन करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, यह स्ट्रक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।